नजर, मेरी लगते जिगर बेटी, मेरी नूरे नजर तू वापस आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी वापस आ गई। बेटी तुम तो सही सलामत वापस आ गई, लेकिन शाह फारान बिलाल कहां रुक गए? वो अपने बड़े भाई जलाल के साथ आएंगे, उन्होंने तो मुझे आजाद करा लिया, मगर उस गुलफाम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना बाकी है। अल्लाह उन्हें जरूर कामयाब करेंगे, जरूर कामयाब करेंगे। अब्बा हुजूर, अपने मेहमानों से मिलिए, ये शायद जिंदाने कजा से कसम, जमीला और शाही जमशेद तीनों फरार हो गए। हाँ हाँ मलिका, हैरत 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 अलतुल, मौत के पंजे से, मलिका हैरत के शिकंजे से तीन तीन कैदी फरार होने में कामयाब कैसे हो गए? उनका जिंदा बचकर निकलना मलिका हैरत के लिए मौत का सामान हो सकता है, मेरी हुकूमत की तबाही का फरमान हो सकता है, और तूने कितनी आसानी से कह दिया कि वो तीनों फरार हो गए। माफी 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 मलिका, माफी। माफी तलाफी का वक्त गुजर गया, तू मलिका हैरत की नजरों से गिर गया, और जो मलिका की नजरों से गिर जाता है वो दुनिया से उठ जाता है। नहीं नहीं मलिका हैरत, नहीं, रहम मलिका हैरत, रहम। तूने बहुतों के लिए फांसी का फंदा बनाया, उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर आज आज तेरी गर्दन में मेरा तिलिस्मी फंदा पड़ जाएगा, तू मलिका हैरत की तिलिस्मी सूली पर चढ़ जाएगा। नहीं नहीं मलिका हैरत, नहीं। क्या चाहती है मलिका हैरत? हर तकदीर उल्टी हो रही है, हर पासा उल्टा पड़ रहा है, मैं ये बाजी हारना नहीं चाहती, शाही जमशेद और तोते को मारना चाहती हूँ, मुझे रास्ता दिखा आका सामरी,
मुझे रास्ता दिखा। एक दिन बाद, बस एक दिन बाद वो तोता शहजादा परवेज के असल रूप में आ जाएगा। शाह जमशेद, तेरी तिलिस्म दुनिया से बहुत दूर चला गया है हैरत, और शहजादा परवेज जिसे तूने अपने जादू से तोता बना दिया था उसे तू नहीं मार सकती। क्यों आका सामरी, क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि नेकी की ताकतें उस तोते की हिफाजत कर रही हैं। उनसे टकराने का मतलब है मौत। तोते को कत्ल करने के इरादे से बाज आ जा हैरत, वरना बर्बाद हो जाएगी तेरी तिलस्मी दुनिया, फना हो जाएगी तू। नहीं नहीं नहीं, चला जा सामरी, चला जा, मुझे मत डरा, चला जा। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। हैरत हैरत अलातूल, कोई नहीं मार सकता। या रब्बुल आलमीन, ये आफताब, ये सूरज मेरी जिंदगी में सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों का नूर भी लेकर आ रहा है, जिसे मलिका हैरत ने मुझसे छीन लिया था, मेरे नूर चश्म को तोता बना दिया था। या मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को उसका इंसानी कालिब लौटा दे मेरे अल्लाह। मैं समझूंगा तूने मुझे फिर से औलाद की नेमत से नवाजा है। मेरे बच्चे को इंसान बना दे मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को तोते से इंसान बना दे मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को इंसान बना दे। आमीन। सुबह बखैर शहजादे। आज का सूरज एक नई सुबह, एक नई जिंदगी का पैगाम लेकर आया है। हाँ मेरे आका, खुदा ने चाहा तो आज मेरा असली इंसानी रूप मुझे वापस मिल जाएगा। इंशाल्लाह, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आज का सूरज खैरियत और सलामती का उजाला लेकर आए। या रब्बुल आलमीन, मेरी आंखों को तूने देखने की कुव्वत और बसीरत से नवाजा है, अगर ये आंखें सिर्फ अपनी औलाद को देखना चाहती हैं, या मेरे अल्लाह आज मेरे बेटे की सूरत दिखा दे, या इन आंखों का नूर छीन ले मेरे अल्लाह, ये आंखें अपने बेटे को इंसान के रूप में देखे बगैर कुछ नहीं देखना चाहती, मेरे बच्चे को तोते से इंसान बना दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को तोते से इंसान बना दे। शहजादे,
खुदा का शुक्र है कि तुम अपने असली कालिब में आ गए। हाँ का जलाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और करम है कि मेरी सब्र और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। मगर आका, मेरी अब्बा जान कहाँ हैं? जाओ शहजादे, तुम्हें इस रूप में देखने के लिए शाह जमशेद की आंखें भी तरस रही होंगी। जाओ। मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी दुआओं को शर्फे कबूलियत बख्शी। शाह बाबा, शाह बाबा, मैं आपके लिए, आपके मोहब्बत भरे हाथ के लिए कितने बरसों तक तरसता रहा। ये सारी तकलीफें तुम्हें मेरी वजह से हुई है बेटे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा बेटे। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपकी जिंदगी का सदका हूँ। आप पर तो अपनी जान भी कुर्बान करूँ तो भी जिंदगी भर आपके एहसानों का कर्ज नहीं चुका सकता। बेटे, ये तुम्हारी सादत मंदी है जो एक मुजरिम बाप को भी मुजरिम नहीं समझ रहे हो। सच तो ये है कि ना मैं हैरत की बातों में आता, ना उस नागिन से शादी करता, ना तुम्हें अपने मुल्क से जुदा वतन होना पड़ता। इंसान होकर भी तोते की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। गुस्ताखी माफ हो शाह जमशेद, कसूर आपका नहीं, आपकी जगह कोई भी होता तो गुमराह हो जाता। मलिका हैरत एक साहिरा है, उसने अपने शहर से आपको अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए आप मलिका हैरत के गुनाह को अपने सर मत लीजिए। अब वक्त आ गया है कि मलिका हैरत को उसके किए गए हर गुनाह की सजा दी जाए। हैरत के खिलाफ कोई भी काम करने से पहले हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बच्चों, हम जो भी करेंगे वो उसके सानो गुमान में भी नहीं होगा। हम उसके महल पर शब खून मारकर हैरत को हैरत में डाल देंगे। हैरत, हैरत अलातुल, कमबख्त शहजादा परवेज तोते से फिर इंसान बन गया। उन लड़कों की हिम्मत तो देखो कि सब मिलकर मेरे कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। नादान लड़कों, मर गए मलिका हैरत को मारने वाले। अहमको, तुम नहीं जानते कि धूप कभी कटती नहीं, साया कभी मरता नहीं। जिबलेनार मेरा वतन है, मैं वही जाकर जिबलेनार के तिलिस्मी पत्थरों में अपनी जान महफूज कर दूंगी और फिर देखूंगी कि कौन मुझे टेढ़ी निगाह से देखने की हिम्मत करता है। आग के नागों, मैं आ रही हूं।
हमारा महल मेरे ही घर और मेरे ही वतन से निकालकर मुझे बेघर और बेवतन करके मलिका हैरत इस महल में ऐश कर रही होगी। मगर अब उसके ऐशो आराम के दिन खत्म हो गए। भाईजान, हम इस महल की छत पर ही उतरते हैं। आराम की नींद सो सकती हूँ।